तो एक पेरेंट से 7,000 रुपया पर पेरेंट से एनुअल चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा था, जो कि 3,000 पेरेंट्स है उस स्कूल में, 2,10,00,000 रुपया ये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। सोचिए जब फीस फिक्स होती है तो उसके सारे प्रॉफिट, टीचर की सैलरी, पीएन की सैलरी, उसकी बसेस, सच्ची सब कुछ मिलाकर फिर फीस सेट होती है, लेकिन 7,000 रुपया पर पेरेंट से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 2,10,00,000 रुपया 3,000 पेरेंट्स है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे जम्मू कश्मीर के 1,25,00,000 पेरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है कि किस तरह उनके बच्चों की फीसों का सौदा किया जाता है और किस तरह उनके मनमाने दाम जो है वो फिक्स किए जाते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स जरूर सुने कि किस तरह का घोटाला हो रहा है, और इसको शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपनी पावर बताएं जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स। मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर चेयरमैन FFRC सुनील हाले साहब की। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज जो बात है जम्मू कश्मीर चेयरमैन FFRC जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी इसलिए बनाई गई थी, उस कमेटी बनाने का पर्पस ये था कि आज जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाना, पेरेंट्स के जो फाइनल पेरेंट्स के साथ जो फाइनेंशियल हरासमेंट होती है उसको रोकना। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये पेरेंट्स के गुडविल के लिए बनाई गई थी, ना कि स्कूल वालों से रिश्ते जोड़ने के लिए, ना कि स्कूल वालों से रिश्वत खाने के लिए। आज मैं आपको प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह 4,000 रुपया एक पेरेंट्स को लेस करके 4 से 5 करोड़ रुपए का समझौता कर लिया जाता है, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेक्सस जो है वो आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं। हमारे जम्मू कश्मीर कमेटी के चेयरमैन FFRC के सुनील हाले साहब जो रिटायर्ड जस्टिस है, जिनको अपॉइंट किया है हमारी सरकार ने, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने, हमारे LG साहब ने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे LG साहब जो है वो भी कटघरे में खड़े कर दिए इस सुनील हाले साहब ने। आप मुझे बता दीजिए, मेरे हाथ में एक ऑर्डर है, एक निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल की फीस फिक्स होती है 2023-24 तक, 2021 से 2023-24 तक, 2023-24 तक फीस फिक्स होती है, जिसमें डायरेक्टर रविशंकर जी भी होते हैं, सारे के सारे 2023-24 तक फीस जो है वो फिक्स की जाती है चेयरमैन FFRC के द्वारा, जिसमें 9,000 रुपए के समथिंग 9,94,000 रुपए का एनुअल चार्जेस जो है वो स्कूल ने लेना होता है, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। एक स्कूल, निजी स्कूल जिसने 9,000 रुपया एनुअल चार्जेस लेना होता है वो ले रहा होता है 16,000 रुपया, उसकी भी रिसिप्ट हमारे पास पड़ी हुई है, उसका भी ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है कि वो 16,000 रुपया एनुअल, एक तरफ 9,000 का एनुअल चार्जेस रख रहा हूं जो फीस आपने फिक्स की है कमेटी ने, दूसरा मैं रख रहा हूं कि 16,000 रुपया हमसे लिया जा रहा है। आपका फर्ज बनता था अगर चेयरमैन FFRC सुनील हाले ईमानदार होते तो सीधे एक ही ऑर्डर निकालते कि जिसने भी एक्स्ट्रा फीस ली है वो वापिस की जाए। तो कंप्लेनर वहां पे गया, कंप्लेनर ने सारे प्रूफ रखे, तो सुनील हाले साहब को मिसगाइड कर दिया गया कि स्टे है। हम भी कहते हैं कि स्टे है उस ऑर्डर के ऊपर, लेकिन स्टे के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या बोला है, मैं सुनील हाले साहब को भी ये पता होना चाहिए। ये देखिए, कैप्टन अभियान सच टाइप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन लॉ वुड बी ऑथोराइज्ड टू चार्ज एंड कलेक्ट ओनली दैट फ्रीज फीस फ्रॉम द स्टूडेंट विच वाज अर्लियर रेगुलेटेड बाय द FFRC, जो आपने 9,000 रुपया फिक्स की हुई है 2023-24 से। तो एक पेरेंट से 7,000 रुपया पर पेरेंट से एनुअल चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा था, जो कि 3,000 पेरेंट्स है उस स्कूल में, 2,10,00,000 रुपया ये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। सोचिए जब फीस फिक्स होती है तो उसके सारे प्रॉफिट, टीचर की सैलरी, पीएन की सैलरी, उसकी बसेस, सच्ची सब कुछ मिलाकर फिर फीस सेट होती है, लेकिन 7,000 रुपया पर पेरेंट से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 2,10,00,000 रुपया 3,000 पेरेंट्स है। उसके बाद उस स्कूल में रजिस्ट्रेशन जो फीस वापिस करने के ऑर्डर है हमारे डायरेक्टर साहब के, कि फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस जिसने ली है वो वापिस की जाए, तो 2,000 रुपया पर पेरेंट से रजिस्ट्रेशन फीस उस स्कूल में ली गई, तो 3,000 पेरेंट्स के हिसाब से 60,00,000 रुपया। फिर उसके बाद वो स्कूल अपने नाम से न्यू एडमिशन के ऊपर भी 8,000 रुपया
पर स्टूडेंट से ले रहा है। हमारे पास वो भी रिसिप्ट पड़ी हुई है, वो भी रिसिप्ट है 8,000 रुपया पर पेरेंट से। तो सोचिए किसी से प्रोस्पेक्ट्स के नाम से 2,000, किसी से 2,500 लिया गया हुआ है, तो वो भी 1.5 करोड़ रुपए का। 3,000 पेरेंट्स अगर आप लगाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का वो भी नेक्सस है। और उसके बाद ट्यूशन फीस में भी 700 से 1,100 रुपया पर बच्चे से, पर मंथ, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूं, 700 से 1,100 रुपया पर मंथ बच्चे से जो है वो ज्यादा लिया जा रहा है। तो 3,000 पेरेंट्स है, ये भी आप नेक्सस लगा दिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का नेक्सस। हाँ। यानी कि टोटल 4 से 5 करोड़ रुपए का ये नेक्सस था उस स्कूल का। और चेयरमैन FFRC क्या करते हैं, वो कंप्लेनर को डिमोडलाइज करने की कोशिश करते हैं और एक सिंगल उस पेरेंट्स को बोला जाता है, उसको ऑर्डर निकाल के दे दिया जाता है कि आप टेंशन मत लो, आप खुश हो जाओ, आपको मैं 4,000 लेस कर देता हूं। तो जाने की चेयरमैन FFRC सुनील हाले साहब जो है, जो 9,000 का सीधे 12,000 कर देते हैं और बिना किसी सुनाए हुए, बिना किसी को वेबसाइट पे चलाए हुए, सीधे उस कंप्लेनर को 4,000 खुश करके बाकी 4 से 5 करोड़ रुपए के नेक्सस को वो हड़प कर लेते हैं, स्कूलों के साथ मिल जाते हैं और स्कूलों को बोला जाता है आप वहां से फाइल वापस ले आइए, आप मेरे पास लाइए, मैं आपकी फीस बढ़ा दूंगा। तो मुझे आप बता दीजिए कि मैं अलजी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस इंसान का बैकग्राउंड चेक करके इस इंसान को वहां पे चेयर पे बिठाया था? क्या आप 1,25,30,00,000 लोगों की बच्चों के साथ, उनकी फीसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो सोचो अगर 1 करोड़ का एक स्कूल का 4 से 5 करोड़ का नेक्सस ये चेयरमैन FFRC संभाल रहा है, नया आकर से बड़ा स्कूल है, तो अरबों रुपए का नेक्सस अगर ये चेयरमैन को हमने जगाया नहीं, मैं चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूं इस ऑर्डर के पीछे आपकी जो भी इंटेंशन थी वो मीडिया में बताइए। अगर आपसे गलती से ये ऑर्डर निकला है तो इस ऑर्डर को वापिस कीजिए और जल्द से जल्द ऑर्डर निकालिए, जिन जिन स्कूलों ने मेरे अप्रूवल के बाहर फीस ली है वो रिफंड की जाए, उसको इंप्लीमेंट करवाइए विद इन 7 डेज। अगर 7 डेज के अंदर अंदर ये ऑर्डर नहीं एक्स्ट्रा फीस का रिफंड हुआ तो मैं चेयरमैन FFRC को बता देता हूं मैं टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा। आप ये सोचते होंगे कि अमित कपूर जब भी कोई गिराव की बात करता है तो डायरेक्टर को उठा लिया जाता है, अमित कपूर जब किसी स्कूल के बाहर बैठने की बात करता है तो स्कूल रिस्ट्रेन ऑर्डर कोर्ट से ले आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अलजी साहब से कहना चाहता हूं कि इस इंसान को किसने अथॉरिटी दी 4 से 5 करोड़ की सेटिंग करना, एक पेरेंट्स को 4,000 रुपए का डिस्काउंट देकर और बाकी 4 से 5 करोड़ की स्कूल के साथ सेटिंग कर लेना इस ऑर्डर के ऊपर। तो एक हफ्ते में या तो ये हमें मीडिया के माध्यम से हमें ये इसका कोई बताए कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मेरे से गलती से ऑर्डर निकल गया, मेरे को किसी स्कूल ने मिसगाइड कर दिया या मेरे को क्या कर दिया, ये हमें बताना चाहिए। अगर ये नहीं बताएंगे 7 दिन के अंदर अंदर या हमें फोन करके नहीं बताएंगे तो हम टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे, मैं अकेला चाहे बैठना पड़े मुझे, मैं अकेला अपनी टीम के साथ वहां बैठ जाऊंगा और सरकार जिम्मेदार होगी। अगर एलजी साहब इसके साथ नहीं मिले हुए, अगर कमिश्नर सेक्रेटरी आलोक कुमार इसके साथ नहीं मिले हुए तो इस बंदे को हटाया जाए, क्योंकि ये 1,25,30,00,000 पेरेंट्स का सौदा कर रहा है, नया आकर अभी 7 दिन अभी आए हुए नहीं और पहले स्कूल की सेटिंग कर दी 4 से 5 करोड़ रुपए के नेक्सस की, जो कि पेरेंट्स को वापिस होना था।